A very charmful morning to you all. As a behalf of our entire team of Anusandhan Commerce Coaching Center, मैं आपके पढ़ने में मैं फिर से आ चुकी हूँ आपके चैप्टर 6 के पार्ट सेकंड के साथ. मैंने पार्ट फर्स्ट पोस्ट करा हुआ है, तो ये आपका है भाई चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड. ओके, तो टाइम पास ना करते हुए भी स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो. चैप्टर का नेम मैंने पार्ट फर्स्ट में डील करा हुआ है. चैप्टर का नेम क्या है आपका, सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी क्या आपको हिंदी में ये एक उद्यम की स्थापना. इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुछ टॉपिक्स थे, 2-3 टॉपिक्स थे, मैंने पार्ट फर्स्ट में डील करा हुआ है. तो ये आपका पार्ट सेकंड है. मैंने पहले ही बोला है कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और ये चैप्टर खुद से समझ में आपको आने वाले नहीं है. कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो कि खुद से आप ट्राई करके पढ़ने का तो कन्फ्यूजन रह जाती है. तो चैप्टर 6 थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको. मैंने पार्ट फर्स्ट पोस्ट करा हुआ है. अगर वीडियोस नहीं मिल रही होंगी भाई तो खैर रिसेंटली पोस्ट तो मिल जाएगी, उसके बाद भी नहीं मिल रही है तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे एंटरप्रेन्योरशिप 2024 पे क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड. देखते हैं चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड में क्या हमें पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हुए थे, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला देखते हैं. ठीक है, मैंने पहले बोला भाई कि सारे वीडियोस में हर एक टॉपिक में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डील करते हैं, बिकॉज बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और सारे बोर्ड जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए जो ये क्वेश्चंस हैं, जो ये टॉपिक्स हैं, जो भी मैं चैप्टर्स लेकर आ रही हूँ, बेनिफिशियल हो. तो मैंने सारे वीडियोस के हर एक टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे भी रहते हैं और मैं दोनों में डील भी करती हूँ. ठीक है, तो देखते हैं अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं. टॉपिक क्या बेटा, जस्टिफाइंग अ न्यू बिजनेस, यानी एक नए व्यवसाय को ठहराना है कि नहीं है. तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है भाई, सिंपल सी बात है कि आप जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, नए बिजनेस को खोलते हैं, तो खोलते टाइम आप किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, वो आपको देखना है कि भाई एक नया बिजनेस शुरू हो रहा है. ध्यान दीजिएगा, कोई नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो आप क्या क्या चीज़ें सोचते हो स्टार्टिंग में. फर्स्ट क्या बोल रहे बेटा आपका यहाँ पे, द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, द लिटरेसी स्टेटस एंड द नेचर एंड हैबिट्स एक्सेट्राज. हिंदी क्या बोल रहे बेटा, उपभोक्ताओं की संख्या, स्थिति एवं प्रकृति और आदतों की आदि. अब ध्यान दीजिए ये टॉपिक क्या बोल रहा है. आप बिजनेस खोलने से पहले देखोगे भाई आपका कि आपका जो माल है वो कितने कस्टमर तक बिकने वाला है. अब सिंपल सी बात है, आपको माल बनाना है तो आप माल ये सोच कर बनाओगे कि आपके माल खरीदने वाले कितने ग्राहक हैं. अब साड़ी बेचने पता अभी कि मेल साड़ी खरीदेंगे नहीं, यूज़ कौन करेगा आपका, वुमेन यूज़ करेंगे, खरीद सकते हैं, कंज्यूम नहीं करेंगे, है कि नहीं. अगर साड़ी बेच रहे हैं तो पता है कि भाई उपयोग महिलाएं करेंगी. आपको देखना होगा कि जिस क्षेत्र में साड़ी बना के बेच रहे हैं कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, है कि नहीं. कितना साड़ी का बिजनेस आपका चल सकता है, कितना माल बनाएंगे तो बिकेगा, है कि नहीं. अब आपको सिंपल सी पता है कि आपके ग्राहक 50,000 ही हैं और आप माल बना रहे 8,00,000, तो लॉस में जाएंगे. तो आपको देखना है भाई कि आपके ग्राहक की संख्या कितनी होती है. अगला क्या बेटा आपका, साक्षरता यानी द लिटरेसी. इसका मतलब क्या होता है कि आपके ग्राहक कितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं कि पढ़े लिखे हैं कि क्या हैं, आपको देखना होता है. पहले बात सिंपल बात, अगर अनपढ़ होंगे तो आप वो माल दोगे जो कि उन लोगों के इक्वल हो. अगर आपके ग्राहक बहुत ही पढ़े लिखे हैं तो आप उस टाइप का माल देंगे जो कि वो भाई जो लिटरेट लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं. सिंपल सी बात है, ठीक है. अगले क्या बोले बेटा, स्टेटस क्या है आपके ग्राहक की, आपके कस्टमर की, आपकी डिमांड, कितना डिमांड है, कितने लोग खरीद सकते हैं, है कि नहीं. अगले क्या बोले बेटा, नेचर एंड हैबिट्स. सिंपल बात है कि आपके पूरे ग्राहक के बारे में सोचना है कि ग्राहक कितने नंबर में होंगे, यानी कितने ग्राहक की संख्याएं होंगी. दूसरा, ग्राहक पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, है कि नहीं. तीसरा, ग्राहक की आदत क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, ये आप सोचेंगे फर्स्ट टॉपिक में. अगले क्या बोले बेटा, ध्यान से देखते हैं आपका, स्टडी ऑफ द लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड एंड एनवायरमेंट. हिंदी क्या बोले बेटा इसका, नवीनतम व्यवसायिक रुझानों और वातावरणों का अध्ययन. अब तो इस टॉपिक में क्या देखना है आपको कि बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं. ट्रेंड मीन्स पता होगा आपको, सिंपल सी बात है कि आजकल लोग मतलब आजकल चलावा में क्या है. अब सिंपल सी बात है कि पहले हमारे कंट्री में प्लेन जीन्स बिकता था, सिंपल सादा सा जीन्स पैंट होता था, ठीक है. अब जब ट्रेंड आई फटा जीन्स पहनने का, यानी रिप जीन्स जिसको बोलते हैं, डैमेज जीन्स बोलते हैं, तो लोग जो बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या स्टार्ट करा भाई, जीन्स को फाड़ के बेचना. मतलब एक तरीके से उस बात में मत लीजिएगा भाई, मतलब कि फटा जीन्स बेचना स्टार्ट कर दिए, डैमेज जीन्स बेचना स्टार्ट कर दिए लोग. तो आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कैसा क्या चाह रहे हैं, है कि नहीं है. अब जो ट्रेंड होगा वही लोग यूज़ करेंगे. पेंसिल जीन्स का पहले ट्रेंड था वो हट गया है, अब बहुत सारे अलग जीन्स आ गए आपके, है कि नहीं है. पहले शूज़ अलग होते थे, अब लोग शूज़ अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं. पहले लोफर था, अब क्या क्या आ रहा है, यानी पहले जो ट्रेंड था और अब क्या ट्रेंड चल रहा है आपको देखना होता है. अब पहले ट्रेंड था आपका रेडियो का, अब किसका आ गया, टीवी का आ गया. तो देखना है कि आजकल लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, उस टाइप से माल बनाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है. अगले क्या बोल रहे हैं बेटा आपका यहाँ पे, कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंपटीटर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका थर्ड क्या बोल रहा है, प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरी. आपके जो भी कंपटीटर्स हैं, आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, उनकी क्या ताकत है, यानी उनका माल कितना. जब सिंपल सिंपल कुरकुरे और टेढ़ा मेढ़ा,
आप एज ए कंप्यूटर ले सकते हैं इनको, लाइव बॉय हो गया, लक्स हो गया, लाइव बॉय हो गया, डव हो गया। नहीं, कंप्यूटर मतलब क्या है कि वो बिजनेस जो कि दोनों सिमिलर माल बेच रहा है, साबुन तो साबुन, सोप तो सोप, कपड़ा तो कपड़ा। आपको देखना होगा कि आपके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखिएगा, अगर कॉम्प्लान लाता है कि बाय वन गेट वन फ्री, तो सेम टाइम पे कुछ दिनों बाद हॉर्लिक्स भी सेम लाता है, भाई बाय वन गेट वन फ्री। अगर कॉम्प्लान कुछ फ्री गिफ्ट देता है तो हॉर्लिक्स भी क्या करता है, लोगों को फ्री गिफ्ट देता है अपने प्रोडक्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रतिस्पर्धी को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है और आप उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो आप नहीं चाहते हो कि आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे जाएं। तो हमेशा आप नजर रखोगे भाई कि वो क्या चाह रहे हैं, आपके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं तो उनको हानि हो रहा है, वो आप नहीं करेंगे, वो क्या कर रहे हैं उनको लाभ हो रहा है तो आप करोगे, है कि नहीं। अगला बोला बेटा आपका सोशल एंड कल्चर स्टेटस ऑफ द मार्केट, यानी बाजार की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या है, अब बाजार की स्थिति क्या चल रही है। अब आपको पता है कि भाई अब ये सीजन आपको चल रहा है छठ का, तो महिलाएं बहुत साड़ी खरीदने वाली हैं बिहार में, झारखंड में, यूपीज में, है कि नहीं। आपको देखना है कि मार्केट में क्या कल्चर चल रहा है, लोग क्या पसंद करेंगे, क्या खरीदना चाहेंगे, सिंपल सी बात है। यानी माल को चूज करने से पहले, बिजनेस को खोलने से पहले आप क्या क्या चीज़ें सोचते हैं, वो टॉपिक्स आपको ये बता रहा था, ठीक है। मैं बता दूँ आपको, सॉरी अगर बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे होंगे तो, बिकॉज बहुत भयंकर तरीके से बारिश हो रही है मेरे शहर में, सासाराम मैं रहती हूँ, ठीक है। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बिजली बहुत तेज़ गरज रही है, तो पीछे से बैकग्राउंड साउंड्स अगर आएंगे तो प्लीज़ 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 इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा और मैं कोशिश करूँ भाई तेज़ बोलूँ ताकि आपके पास आवाज़ तेज़ पहुँच सके, है कि माइक तो लगा हुआ फिर भी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं बेटा, देखते हैं आपका वो बोल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भाई, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीडीएफ, इसमें क्या है कि अगर जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड, बिकॉज हम जो भी बात बोलते हैं गारंटी के साथ बोलते हैं, तो इसके लिए हम और किसी बोर्ड के लिए गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, बट हाँ अगर बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड इन दोनों बोर्ड्स में आपको एग्जाम देने हैं 2024 में, तो आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस के पीडीएफ्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, पहले से तैयार थे, तो मैंने सोचा भी बच्चों को बता देते हैं, है कि नहीं। सारे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खरीद चुके हैं। देखिए आपको वीवीआई एमसीक्यूज खरीदना है बेटा, तो अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का, एंटरप्रेन्योरशिप का 89 रुपीज़ बस लगेगा, 89 ओनली प्राइस दिख रहा होगा आपको। एंटरप्रेन्योरशिप का एमसीक्यू चाहिए, वीवीआई एमसीक्यू, तो क्या मिलेगा आपको, 59 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसमें कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप के वीवीआई एमसीक्यूज होंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही हवा में नहीं बनाए गए भाई, हर साल जो क्वेश्चंस बार बार लड़ते हैं, बार बार मैच करते हैं बिहार बोर्ड, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, वो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको बनाकर दे दी जाएगी। ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एमसीक्यूज भी हैं, सब्जेक्टिव्स भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आंसर भी है कि नहीं। अगर सब्जेक्टिव परचेज करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, शॉर्ट आंसर मिल जाएगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, लॉन्ग आपको आंसर भी मिल जाएगा ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, आपको क्वेश्चन किस तरीके से आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा सेकंड टॉपिक क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, दैट इज फॉर्मुलेटिंग द जनरल प्लान ऑफ द बिजनेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते रहेंगे सबके बारे में। फर्स्ट क्या बोला बेटा आपका, व्यवसाय की सामान्य योजना तैयार करना। अब बिजनेस में आप योजनाएं क्या क्या बनाते हैं, प्लानिंग क्या क्या करते हैं, प्लानिंग क्या है मैंने पढ़ाया आपको, बिजनेस में क्या होता है भाई कि किसी भी काम को करने से पहले कुछ सोचना क्या होता है, प्लानिंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग इज नोन एज प्लानिंग, सिंपल सी बात है। अब देखिए बिजनेस में क्या क्या होते हैं, किन किन प्रकार की प्लानिंग्स होती हैं, किन किन प्रकार के नियोजन होते हैं, वो पढ़ना है। फर्स्ट क्या बोला बेटा, प्रोडक्ट प्लानिंग यानी उत्पादन की योजना, ओके यहाँ पे इसका हिंदी गलत है बेटा, प्रोडक्ट प्लानिंग का उत्पाद की योजना लिख लीजिएगा, उत्पादन नहीं होगा काट लीजिएगा इसको, प्रोडक्ट प्लानिंग हिंदी क्या होगा इसका, उत्पाद की योजना, उत्पादन नहीं होगा, ठीक है, उत्पादन में तो प्रोडक्शन होता है। देखिए क्या बोला, सिंपल सी बात है, अब ये पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ लेंगे और पूरे पैराग्राफ्स का निचोड़ क्या है आपको सिंपल सी बात है, मैं पढ़ने नहीं वाला, टाइम पास होगा। इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ है कि आप बिजनेस में माल बनाने से पहले प्लानिंग करते हैं कि वो प्रोसेस यूज़ किया जाए, वो स्टेप्स यूज़ किया जाए जो कि आपके माल को सबसे बेस्ट तरीके से बनाए। यानी आप माल बनाने से पहले वो सारी विधियाँ देखते हैं, वो सारे स्टेप्स देखते हैं, वो सारे स्टेप्स को ढूंढते हैं, जिन विधि के हेल्प से, जिन स्टेप्स के हेल्प से आपका जो माल है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बन के तैयार हो जाता है। आपको आंसर एग्जाम में अगर पूछे व्हाट डू मीन में प्रोडक्ट प्लानिंग यानी उत्पाद नियोजन से आपका क्या तात्पर्य है, तो आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के छाप लेंगे, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे, प्लांट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, मोस्ट 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 वीवीआई टॉपिक, संयंत्र एवं उत्पादन योजना। अब ध्यान दो, इसके अंदर दो टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट क्या बेटा, प्लांट लोकेशन, हिंदी क्या है, संयंत्र एवं उत्पादन योजना, और दूसरा क्या आपका बेटा, प्लांट लेआउट यानी संयंत्र लेआउट। अब ध्यान दीजिए प्लांट लोकेशन में और प्लांट लेआउट में क्या अंतर है, आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़ना होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए क्या है ये, प्लांट लोकेशन
संयंत्र या उत्पाद नियोजन और प्लांट लेआउट, यानी संयंत्र लेआउट क्या होता है ध्यान से सुन लीजिए, डिफरेंस क्या है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, डेफिनेशन लिखा हुआ है, छाप देंगे एग्जाम में क्या होता है। अब समझते हैं ये है क्या। हमने बोला कि आपको इन दोनों टॉपिक में आप लोकेशन देखते हो, आप स्थान देखते हैं, लेकिन अंतर के दोनों में भाई है कि जो प्लांट लेआउट है जो प्लांट लोकेशन से अलग है। कैसे? प्लांट लोकेशन में आप देखते हो कि आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेट होने वाला है, यानी संयंत्र नियोजन में आप देखते हो कि व्यवसाय कहाँ पे उपस्थित होने वाला है, व्यवसाय कहाँ पे स्थित होने वाला आपका है। बिहार में व्यवसाय खोलेंगे, बिहार में खोलेंगे तो कहाँ खोलेंगे, रोहतास जिले में खोलेंगे, है कि नहीं है, कहाँ किस जिले में खोलेंगे। आपको ये देखना भी कि बिजनेस किस जगह पे खोलने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं प्लांट लोकेशन संयंत्र नियोजन। और ध्यान दीजिए, बिजनेस खोलने के बाद बिजनेस के अंदर मशीन्स कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे रखेंगे, तो वो क्या हो गया आपका प्लांट लेआउट, यानी संयंत्र लेआउट आपका हो गया। ठीक है, नहीं बिजनेस कहाँ पे रखना है तो प्लांट लोकेशन, और बिजनेस के अंदर मशीन्स सामान संसाधन कच्चा माल कहाँ पे सरियाएंगे तो क्या हो गया आपका प्लांट लेआउट, यानी फिर से हिंदी बोलते हैं व्यवसाय कहाँ पे स्थापित होने वाली है वो क्या आपका भाई संयंत्र नियोजन। और आपके व्यवसाय के अंदर आपका कच्चा माल आपके मशीन्स कहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं, कहाँ पे स्थित होने वाले हैं, तो क्या हो गया बेटा आपका संयंत्र लेआउट आपका हो गया। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक सेकंड समझ में आ गया होगा, मैं रीडिंग नहीं करने वाला हूँ, टाइम पास होगा रीडिंग कर लेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, जो निचोड़ है हम समझा रहे हैं आपको, और पीडीएफ से ये तो भाई स्क्रीनशॉट निकाल के नोट्स पे उतार लेंगे, उसको सिंपल सी बात है कि नहीं है। आपको समझना है, एग्जाम में अगर आप समझ लेंगे तो आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश में कर सकते हैं उसको, आंसर हिंदी के बच्चे हिंदी में कर सकते हो। रटना क्या है बेटा कि एक समय तक रटने से काम नहीं चलेगा आपका, आप कितने क्वेश्चन रट पाएंगे, कितने टॉपिक्स याद करेंगे, तो आप कोशिश करो भाई कि टॉपिक्स को समझें। जो मेरी वीडियोस बच्चे रेगुलर जो देख रहा है, गारंटेड है कि एग्जाम में जब आप जाएंगे आप खुद क्वेश्चन पेपर देखे हंसी आएगी आपको, भाई वो सारे पेपर से मैम ने पढ़ाया हुए हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आपको आ ही रहे हैं, है कि नहीं है। तो रटना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है समझना। समझेंगे तो आपके पास कैपेसिटी है कि आप आंसर तो कैसे भी लिख लेंगे आप, है कि नहीं है। अब डिफरेंस समझ गए तो आंसर कैसे भी लिख लेंगे, अब रटने के लिए रटने बैठेंगे बिना समझे तो जिंदगी भर रट उसको पाएंगे नहीं, अगर रट ली भी ले भी तो एग्जाम तक याद नहीं हो पाएगा, सब खिचड़ी बन जाएगा। तो ट्राई करना है कि भाई हम टॉपिक्स को समझें। ठीक है, अब देखिए क्या बेटा आपका थर्ड टॉपिक क्या बोल रहा है आपका, कॉस्ट प्लानिंग लागत योजना। वही बात है कि भाई आपका माल कितने में बिकने वाला है, उससे पहले सोचते हो भाई कि माल को बनाने में कितना लगेगा। अब आपने सोचा भाई कि आपका कोई माल है, आप पांच में बेचने वाले हो, ये पांच में बेचने वाले हम कब सोचेंगे, जब ये पता चलेगा भाई कि हमारा माल पांच से कम में बन जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना भाई कि दस में माल बेचेंगे बना और पांच में बेचा आपने, कि माल बनाने में दस रुपया लगा और बेचने पाँच में, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको माल बेचने से पहले देखना होगा भाई कि माल को बनाने में कितना रुपया लग रहा है, ताकि आप ये निर्धारण कर सके कि आपको माल का मूल्य क्या रखना है। यानी प्रोडक्शन करने से पहले देखना होगा भाई कि प्रोडक्शन करने में कितना चार्ज लगेगा आपका, कितना पूरा कॉस्ट प्राइस लगने वाला है। इस कॉस्ट प्राइस के बेस पे आप कुछ प्रॉफिट के साथ ऐड करके अपने माल का एसपी यानी सेलिंग प्राइस आप देखते हैं। ठीक है, अगले का टॉपिक बोल रहा बेटा आपका लास्ट टॉपिक है, नहीं सेकंड लास्ट बेटा क्या है ये, फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय नियोजन। इसमें क्या होता है भाई कि बिजनेस में आप पैसा कहाँ कहाँ से लगाने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में रीडिंग नहीं करूँगी, मैंने बार बार बोला कि टाइम पास मुझे नहीं करना है। मेरी वीडियोज़ में आपको एक चीज़ मिलेगा भाई, टू द पॉइंट्स, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही हम बोलते हैं, अदरवाइज फालतू बात मेरी वीडियोज में आपको मिलने वाली नहीं है। तो मैं रीडिंग करने वाली नहीं हूँ, आप खुद रीडिंग कर लेंगे, आप खुद स्क्रीनशॉट निकाल के पढ़ लेंगे, उसको समझा दे रहे कि टॉपिक क्या बोल रहा है। ये पूरा पैराग्राफ जो हम जो लिखा हुआ है मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, इसे समरी करें, सिंपल सी बात है उसका, है कि नहीं है। तो भाई क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा इसका, कि फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए वित्तीय नियोजन में क्या होता है कि आप देखते हो कि बिजनेस में पैसा जो लगने वाला है आप वो कहाँ कहाँ से लेकर आने वाले हैं, पैसों का स्रोत क्या होगा आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस में मनी का यानी पैसों का सोर्स क्या होगा, स्रोत क्या होगा पैसों का, है कि नहीं है। तो भाई आपको पता है कि बिजनेस में 4 लाख चाहिए, आपके पास 1 लाख ही है, वो 3 लाख कहाँ से लेके आएंगे, कैसे पता करेंगे भाई, हम फाइनेंशियल प्लानिंग से वित्तीय नियोजन से पता करते हैं कि बिजनेस में पैसा जो लगने वाला है वो पैसा हम कहाँ कहाँ से लेके आने वाले, लोन लेंगे उधार मांगेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अगर आपको भाई कुछ समय के लिए बस पैसा चाहिए, कुछ 1 लाख 2 लाख तो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। आपको भी चाहिए बहुत लंबे समय तक के लिए पैसा, 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़, वो क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग, है कि नहीं है। आप देखिए यानी दीर्घकालीन हो गया और अल्पकालीन हो गया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, सबसे लास्ट टॉपिक आपका है, आपका है चैप्टर का नहीं इस पूरे पार्ट का, चैप्टर में और टॉपिक्स हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में वो आएंगे। ठीक है, वो क्या बोले बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग यानी संगठनात्मक योजना। अब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, वो क्या बोल रहा है आपका समरी बता रहे हैं आपको भाई, कि आपको बिजनेस में ये देखना है कि आपका बिजनेस जो आपने स्टार्ट करा था तो क्या उद्देश्य लेके आपने स्टार्ट करा था,
है कि नहीं, आप भी कोई भी बिजनेस कोई खोलता है तो कोई उद्देश्य रहता है उसको भाई कि हमें कुछ भी करके, हमने 20 लाख लगाया है तो हमें एक साल में 4 करोड़ चाहिए तो चाहिए, हमने 20 लाख लगाया है तो हमें 40 लाख वापस चाहिए, है कि नहीं। एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है, अब आपका उद्देश्य होगा भाई कि हमें कुछ भी वो बिजनेस को इंडिया के टॉप बिजनेस में से पहुँचाना है। तो आपका जो उद्देश्य है बिजनेस का, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपने जो प्लानिंग करी थी, आपने सपना देखा था, आपने जो इमेजिनेशन करी थी, जो कल्पना करा था आपने, उसको पूरा करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं कि बिजनेस का विकास हो, बिजनेस का नाम हो, जो आपने सपना लेके आप चले थे वो सपना पूरा हो जाए, तो उस प्लान को क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग हम बोलते हैं, संगठनात्मक नियोजन हम बोलते हैं। टॉपिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है सारा, पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट निकाल के, उसको याद आप कर लेंगे। मैंने बार बार बोला स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, याद कर लीजिए, काम सारा एग्जाम में आने वाला है। और एक और बात, याद करने की नीड आपको नहीं पड़ेगी, 100% गारंटी मेरी है। और वीडियोज़ को दो बार देख लूँ या एक ही बार देखिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक बार में याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं हो दो बार देख लीजिए, तीन बार देख लीजिए, ये सारे टॉपिक जो हम बोल रहे हैं उसको याद कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है, घर पर बैठिए, ये सारे टॉपिक का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा उसको, और खुद से लिखिएगा पहले आंसर, और खुद के आंसर को ये पीडीएफ से मैच कीजिएगा कि कितना सिमिलरिटी से कितना डिफरेंस आपका है, है कि नहीं है। प्रिपरेशन ऐसे करते हैं एग्जामिनेशन के, 12th बोर्ड मजाक नहीं है बेटा, 12th बोर्ड है आपका पूरे लाइफ का एक, आप बोल सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा 12 साल में, सब क्या हो जाता है आपको, 12th बोर्ड बताता है आपका कितने मेहनत करी आपने, है कि नहीं है। तो थोड़े से के लिए हम क्यों छोड़ेंगे पॉइंट्स को, तो हम दिल से मेहनत करेंगे और हर एक टॉपिक पे जान दे दीजिए अपना। मैंने पहले बोला कि 12th आपका है मोटिव, 50% 60% 70% 80% मुझे नहीं चाहिए, मोटिव रखो भाई कि 90% से प्लस आए, 90% से ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे तब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। अगर आप 80 सोचेंगे 70 आएगा, 90 सोचेंगे 80 आएगा, है कि नहीं। तो गोल हमेशा ऊंचा रखिए और दिल से पढ़िए, आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के सारे वीडियोस पोस्ट होंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत होती है हमारी, मॉर्निंग से लेकर रात 7 बजे तक रात को लगातार हमारी चलती ऑफलाइन क्लासेस, 2 घंटे की गैप मिलती है खाना खाने के लिए, है कि नहीं। उसके बाद भी शाम को आने के बाद हम आपके लिए हमेशा वीडियोस बना के रखते हैं, ताकि मैंने प्रॉमिस करा था भाई कि एग्जामिनेशन से पहले सारे सिलेबस कम्प्लीट हो जाएंगे, तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं। तो मिलते हैं चैप्टर 6 के पार्ट 3 के साथ, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पोस्ट कर दिया है, होप कि आपके लिए वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हो। प्लीज़ और प्लीज़ जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में ये हमारी वीडियोस को फैला दीजिए और बता दीजिए भाई कि एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस भी यूट्यूब पे आने स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, आपका ये एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।